हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही ये समाचार दिया है कि क्या आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। ये तो साधारण बात है। एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का आठवां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो। लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। मैंने आपको ये सूचना देने के लिए यहां बुलाया है कि महामुनि गर्ग हमारे महायज्ञ की पूर्ण आहुति के समय यहां आशीर्वाद देने पधारेंगे। हमारी इच्छा है कि उस समय वे देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी कर दें तो अच्छा होगा। वो यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए ये शुभ कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत ही सुंदर योजना है गुरुदेव, इससे रोहिणी भाभी बहुत प्रसन्न होगी। हमारे मन में एक और संकल्प भी आ रहा है। क्या गुरुदेव? आप तो जानते हैं कि इस धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा कोई ऋषि नहीं। वो स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भूत और भविष्य का ज्ञान देने वाले ज्योतिष शास्त्र की रचना भी उन्होंने ही की है। वो हमारे लिए भी भगवान की भांति ही पूजनीय है। हम समझते हैं कि इस संयोग का लाभ उठाकर यदि आपके बालक का नामकरण संस्कार भी ऐसी दिव्य विभूति के हाथों संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होगा। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं, इसलिए जो कुछ भी आप हमारे लिए सोचेंगे उसमें हमारा कल्याण ही निहित होगा। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसके लिए मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा। अवश्य, और मैं जानता हूं वो इसे स्वीकार भी कर लेंगे। यशोदा, यशोदा, भाभी, भाभी, बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि क्या आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है
कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनी मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे, अपने दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की आठवीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की आठवीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने यह योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था, अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। अब फिर उस माता का हृदय जिसके छह छह पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री के हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो संतान के मोह की विवशता है केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे, परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है।
नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का यह निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है, वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है। गुरुदेव, मैंने अपनी लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाली हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये। माँ तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है, मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए, दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु, मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए हैं। गोकुल में? कहां, किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था, आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। ये तो साधारण बात है महाराज। वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु। परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात? अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुल गुरु हैं, और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर? इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का आठवां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं। और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। हाँ। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य ये इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य मुख्य संस्कार उनके अपने कुल गुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हो। अवश्य यही बात है महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर
गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैंने अपने दो विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु, देवी रोहिणी और नंद राय दोनों बालकों को लेकर आ गए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। क्या सोच रहे हैं भगवान? मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। मेरे मन में युगों से एक क्षण की कल्पना ऐसी थी कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब मैं उस अविनाशी नाम की घोषणा करूंगा तो तीनों लोक उस नाम की प्रतिध्वनि से गुंजारित हो उठेंगे। और देखो कि आज लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। अच्छा, यही तेरी इच्छा है तो यही सही। महामुनि, कहाँ चलना है? भगवान, गोशाला में एकांत है, नंदराय जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आइए आइए। मैं अनुग्रहित हुआ। चलिए। Thank you.
भगवान, कंस के आतंक के कारण देवी रोहिणी का मथुरा जाना संकट कारक हो सकता है, इसीलिए वो इतने दिनों तक अपने पुत्र को लेकर आपकी सेवा में न पहुंच सकी। अब आपके श्री चरण गोकुल में पधारे हैं तो उसकी अपेक्षा है कि आप उसके बालक का नामकरण संस्कार कर देंगे। अवश्य, यदुवंश का कुल गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। आते हुए वसुदेव जी ने भी यही इच्छा प्रकट की थी, सो हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। कुमार वसुदेव जी की भी यही भावना थी कि कंस को यह पता न चले कि उनकी एक संतान गोकुल में पल रही है, इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। महामुनि, मेरी भी एक प्रार्थना है। कहिए। आप जैसी दिव्य विभूति का गोकुल में पधारना हम समस्त गोकुलवासियों के लिए जैसे एक आशीर्वाद है, सो इस आशीर्वाद का फल हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके हाथों हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य का है। सो भगवान, नंदराय जी की प्रार्थना में हमारी याचना भी सम्मिलित है। मैंने ही गोकुलपति को यह सुझाव दिया था कि यदि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से संपन्न हो जाए तो सर्वथा उचित और मंगलकारी होगा। सो हमारी भी यही प्रार्थना है। आप बड़े उदार हैं महामुनि। मैं होता तो ऐसा शुभ अवसर कभी न छोड़ता। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एक बात का विचार अवश्य कर लीजिए कि सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं, सो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करता हूं तो ये सूचना मिलते ही कंस की यह भी धारणा हो सकती है कि कदाचित यही वसुदेव जी का आठवां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। परंतु उसे पता ही कैसे चलेगा? वैसे भी हम रोहिणी पुत्र के कारण सारा कार्य बड़ी गुप्त रीति से कर रहे हैं, और फिर इस निर्जन गौशाला में मेरे सगे संबंधी गोपजन कोई भी तो नहीं। हमारे सिवा इस रहस्य को दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा।
सो आप कृपा करके केवल स्वस्ति वाचन करके ही इन दोनों बालकों का द्विजाति संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन दे सकते हैं? अवश्य। अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिका पते भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखारविंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है, और आ शब्द का अर्थ है दाता। कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। इनका प्रेम सर्व विजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति कीर्ति और वैभव में, आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते।